राधे राधे मित्रों मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मथुरा नरेश कंस अक्रूर से कहता है, यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो अवश्य कृष्णा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु वो एक धूत है, मायावी है वो। तो महारानी अस्थि कहती है, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु यदि कृष्णा ने एक छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है तो अवश्य में हमें शत्रुता नहीं मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो महारानी प्राप्ति कहती है, इस समय भयभीत होकर शत्रु के समक्ष पराजय स्वीकार करने का समय नहीं है, अपितु सत्य का पता लगाना चाहिए, अन्यथा यह धूर्त कृष्ण इस बार भी आपसे बचकर निकल जाएगा। तो कंस कहता है, ठीक कह रही हो प्राप्ति, अब तो केवल एक मार्ग है जिससे हमें इस कृष्ण का वृंदावन के लोगों के बारे में सत्य बता सकता है, वो स्वयं इंद्रदेव हैं। फिर कंस इंद्रदेव का आह्वान करने लगता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नारद इंद्रदेव से कहता है, कैसी विचित्र दुविधा है देवराज, ये कंस है कि आपका आह्वान करने से थक ही नहीं रहा है, ना जाने उसके मन में कितने प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। देवराज इंद्र, यदि आपने उसको दर्शन दिए तो अवश्य ही आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि क्या आप शक्तिशाली देवता हैं भी या नहीं, और यदि आप वहाँ नहीं गए तो वो सोचेगा कि लज्जा के कारण अपना मुख छिपा रहे हैं। देवराज इंद्र, अब इस दुविधा का उत्तर कैसे आप देंगे? तो इंद्रदेव कहता है, देव ऋषि, समस्त देवताओं में सर्वशक्तिशाली केवल मैं हूँ देवराज इंद्र, और इस कंस को अपनी शक्तियों का परिचय मैं स्वयं अवश्य दूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस बार बार इंद्रदेव का आह्वान करने लगता है, तभी इंद्रदेव प्रकट होता है। तो कंस नमन करता है और कहता है कि मैं सुना था कि सबसे बलशाली देवता हैं, और मैं आपको नमन भी करने लगा था, क्या सुन रहा हूँ? इंद्रदेव, कृष्ण ने संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को मात्र एक उंगली से उठा लिया है, और सभी वृंदावन वासियों और पशु पक्षियों आपके महाशक्तिशाली इंद्रदेव के प्रकोप से बच गए। तो इंद्रदेव कहता है, तुम सत्य सुना है कंस, कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत भले ही उठा लिया हो, किंतु उन तुच्छ वृंदावन वासियों को मेरा शक्तियों से कोई भी बचा नहीं सकता है। अब तुम देखना, अपने सर्वशक्ति के शक्ति मिलाकर ऐसा प्रलय उत्पन्न करूंगा कि स्वयं कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव संवर्तक को आह्वान करता है, तो संवर्तक प्रकट होता है। तो इंद्रदेव संवर्तक से कहता है, मेरा शक्तियों पर प्रश्न उठ रहा है और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है, मैं ये तुच्छ वृंदावन वासियों से अपना अपमान का बदला नहीं ले सका तो मेरा पद पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो संवर्तक कहता है, आपके विरोध की ज्वाला में मैं तो भी तो जल रहा हूँ, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी विनाशकारी योजना को ही असफल कर दिया है। तो इंद्रदेव कहता है, अब तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों एक साथ प्रहार करेंगे, तो हमारी शक्ति मेरा वज्र के संगम से हम इस गोवर्धन पर्वत को छनबीन कर देंगे। फिर इंद्रदेव और संवर्तक एक साथ में मिलकर अपने शक्तियों से गोवर्धन पर्वत पर प्रहार करने लगता है। तो मन ही मन बलराम कृष्णा से कहता है, अवश्य इंद्रदेव कोई अन्य विनाशकारी योजना बना रहा है, अब हम क्या करेंगे? तो कृष्ण कहता है, आप सब की भांति ही मैं भी गोवर्धन पर्वत के शरण में आ गया हूँ, अब जो करेंगे वो गोवर्धन पर्वत ही करेंगे। फिर इंद्रदेव और समर्थक गोवर्धन पर्वत में प्रहार करने लगता है। तो गोवर्धन पर्वत इंद्रदेव और समर्थक का शक्ति ही गोवर्धन पर्वत से टकराकर वापस जाकर समर्थक को लग जाता है, जिससे समर्थक का अंत हो जाता है। तो यशोदा मैया कहती है, आप सब देखिए, वार्ता थमने लगी है, प्रतीत होता है इंद्रदेव का क्रोध शांत हो रहा है। तो बलराम कहता है, सोचना है कि अब मैं मैया को कैसे बताएं कि इंद्रदेव इतना जल्दी शांत होने वाला में से नहीं है। तो इंद्रदेव चिल्लाता हुआ कहता है, संवर्तक का पराजय को अपना विजय को हो
काम भूल मत समझ जाना। मेरे प्रकोप से बचने के लिए जिस गोवर्धन पर्वत को चुना है, अब उस पर मेरा वज्र तब तक बरसेगा जब तक तुम सभी अपना पराजय स्वीकार न कर लो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती है, असैन्य मनुष्यों की हानि पहुंचाने का प्रण लेकर इंद्रदेव देवराज कैसे कहलाएंगे। योग कदापि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देवता तो वो होते हैं जो अपने धर्म और कर्म से सबका उद्धार करते हैं, किंतु इंद्रदेव तो अपने अहंकार और अभिमान की घड़ियों में बंद कर सब कुछ भूल चुके हैं। वृंदावन वासियों की शक्ति बनने के स्थान पर उनका संकट बन गए हैं। महादेव ये प्रलय कब तक चलेगा? तो श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को उठाने में सक्षम है, किंतु गोवर्धन वासियों का क्या? वे अब तक गोवर्धन पर्वत के नीचे कब तक रहेंगे? तो महादेव कहते हैं, इस समय वृंदावन वासियों के धैर्य के टूटने का प्रतीक्षा करने का नहीं है, अपितु इंद्रदेव के अहंकार के टूटने का प्रतीक्षा करने का है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आपको आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।